नोएडा के सेक्टर 115 में स्थित डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बताई जा रही कॉलोनियों को गिराने के लिए आज नोएडा प्राधिकरण की टीम पहुंची। इस दौरान प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को गिरा ही रही थी कि तभी निर्माण को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और प्राधिकरण की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक से हुए पथराव के चलते प्रशासन में भगदड़ मच गई। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने जिला प्रशासन की टीम की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने हल्का लाठी बल का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 115 डूब क्षेत्र में अवैध रूप से जाहिदाबाद नाम से कॉलोनी काटकर भोली भाली जनता को बेच दी, जिस पर लोगों ने वहां निर्माण कार्य करते हुए अपने मकान बना लिए, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अपने नींद से जागे और अवैध निर्माण को गिराने के लिए नोएडा के सेक्टर 115 जाहिदाबाद में पहुंच गई, जहां प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण को गिरा रही थी कि तभी ग्रामीण आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करते हुए प्राधिकरण की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक से हुए पत्थरबाजी में जहां प्रशासन में भगदड़ मच गई, तो वहीं आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने हल्का लाठी बल का प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को खदेड़ दिया और कुछ ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया।